नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपको बताऊंगा कि काइन मास्टर में आप वीडियो एडिटिंग कैसे करें। अगर आपको काइन मास्टर के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। काइन मास्टर एक पॉपुलर एप्लीकेशन है, एक ऐप है काइन मास्टर, जो आपको मोबाइल पे सपोर्ट करता है और आपको अपॉर्चुनिटी देता है मोबाइल पे कि आप एक अच्छा खासा प्रोफेशनल रूप में वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो एडिटिंग का नाम सुनते हैं डर जाते हैं, तो आप डरे मत, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करना बहुत आसान होता है और एंड्रॉयड मोबाइल में तो बहुत ही आसान है। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आता है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पहले कुछ नहीं आता था, मैं अभी जीरो से ही स्टार्ट किया था और अभी थोड़ा मना मुझे आता है, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो वीडियो एडिटिंग करने से पहले आपको सबसे पहले वीडियो को इम्पोर्ट करना होगा, मतलब वीडियो को लाना होगा। तो सबसे पहले मीडिया पे जाइए। मीडिया यानी आपको वीडियो जो आपने शूट किया है उसे पहले आप यहाँ पे लाइए। वीडियो को मैं यहाँ ले आया हूँ और मैं वीडियो प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। हालांकि ये इमेज है, वीडियो नहीं है, लेकिन मैं वीडियो इसे बनाऊंगा। मैं यहाँ पे अपना पहले चैनल का नाम देना चाहता हूँ, जिससे मेरा जो नाम है फुल वीडियो में चैनल का चले, जिसे व्यूअर को पता लगे कि हाँ भाई उसी का वीडियो है जिसका मैंने पहले देखा था। मैं यार इसे चेंज करूँगा थोड़ा फॉन्ट को, मुझे फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा, ये पसंद है, मैं हमेशा ये डालता हूँ, और मैं इसकी कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इधर आप डाल सकते हैं, क्योंकि हर वीडियो में आप एक सिंबल डालिए जो हमेशा चेंज मत करें, एक ही सिंबल रहें, जैसे व्यूअर्स को पता लगे कि हाँ भाई उसी का वीडियो है। सिंबल उनके मन में बैठ जाना चाहिए कि जेपी का है, अच्छा, जेपी मतलब वो जो वीडियो अच्छा बनाया था। अब वो जेके दो खराब वीडियो भी रहेगा तो चल जाएगा, अच्छा जो अच्छा वीडियो बनाया था उसी का लगता है चैनल, तभी तो जेपी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने ये डाल दिया, जैसे ये डालिएगा तो आपका ये जो है यहाँ रहेगा, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इसे आप खींच कर इस तरह से कर दीजिएगा, तीन डॉट है उसे खींचिएगा तो यहाँ तक लास्ट तक आ जाएगा। जैसे आप प्ले कीजिएगा तो जेपी हटेगा नहीं, हमेशा रहेगा। वीडियो में कुछ भी बोलिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जेपी नहीं हटेगा। अगर आप यहाँ वीडियो में यहाँ तक आए, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए और आपको किसी चीज़ के बारे में बताना है कि हाँ नोकिया का मोबाइल यहाँ यहाँ इस दिन लॉन्च होने वाला है, तो आप वहाँ पर लिख भी सकते हैं कि नोकिया N73 मोबाइल इज द बेस्ट। और मैं इसे यहाँ इंसर्ट करूँगा और मैं इसका फॉन्ट पहले चेंज कर लूँगा, कोई अच्छा फॉन्ट देखिए जिससे अच्छा लगे देखने में। मैं इस तरह का फॉन्ट लेता हूँ, देखता हूँ आगे थोड़ा ठीक लग रहा है, और मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूँ। पहले येलो, मुझे येलो थोड़ा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन येलो जो लाइट कलर है, लाइटी कलर है और सबको दिखाई देता है, ब्लैक है, हर कलर में अगर येलो डाल दिया जाए तो येलो पहले दिखाई देगा। येलो लाइटी कलर है, लाइट जैसे ही पड़ता है तो सबसे पहले येलो प्रकाश मतलब तेजी गति से आपके आँखों पड़ता है, इसीलिए अच्छा लगता है देखने में और दिखाई दे देता है। मैं एक चीज़ को भूल ही गया, मैं इस पर क्वेश्चन मार्क देना भूल गया, और ये हो गया, इसे ऊपर थोड़ा कर देता हूँ। मैं इसमें और एनिमेशन भी डाल सकता हूँ इस तरह का, या पॉप कर सकता है, स्लाइड राइट, स्लाइड लेफ्ट, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, इस तरह का मैं इसे स्पिन CCW मैं मतलब इस तरह का मैं इसमें बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस तरह का कर सकते हैं। मैं इसमें फेड ही करता हूँ और देखिए वीडियो चला, नाम आपके वीडियो के ऊपर है चैनल का नाम, या कोई फोटो भी डाल सकते हैं आप, और ये आ गया आपका टन टना। अगर आप यहाँ पर जैसे नाम नहीं देना चाहते हैं, कोई इमेज देना चाहते हैं, तो आप देखिए इसमें इमेज भी क्लिक कीजिए, नहीं सॉरी आप मीडिया नहीं कीजिएगा, मीडिया आपको बस वीडियो इंसर्ट करने के लिए है। जो भी आपको एडिट करना है आपको लेयर में जाना है, लेयर में जाकर ही एडिट करना है। तो आप यहाँ पर चाहते हैं कि वीडियो के ऊपर एक इमेज डालना,
जो आपके चैनल का नाम या कुछ भी आपके चैनल का इमेज हो सकता है, तो लेयर में जाइए, इमेज पे क्लिक कीजिए, और मैं चाहता हूँ कि ये यूट्यूब का इमेज मेरे इस वीडियो पे आए, तो मैं इसे थोड़ा छोटा करके यहाँ पे डाल दूंगा और इसे टिक करूंगा, और इस इमेज को मैं पूरे वीडियो में फैला दूंगा ताकि शुरू से अंत तक ये वीडियो में इमेज चले। तो रेडी स्टडी एंड गो, इमेज चल रहा है, वीडियो चल रहा है, इमेज नहीं चल, इमेज लिखा हुआ है, पूरा वीडियो में इमेज है, वीडियो चल रहा है, और ये नाम आया और ये नाम खत्म हुआ। मैं इस नाम को छोटा भी कर सकता हूँ, और छोटा में खत्म हो सकता है या बड़ा में खत्म हो सकता है, मैं इसे इतना रहने देता हूँ। और ये चला, और अधिकतर यूट्यूबर का प्रॉब्लम होता है, जो वीडियो जो शूट करते हैं उनका प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वीडियो में साउंड बहुत कम होता है, साउंड का मेन प्रॉब्लम है यूट्यूबर को, और साउंड एक मुख्य चीज़ है। अगर साउंड आपका वीडियो क्वालिटी अच्छा है, साउंड नहीं है तो कोई फायदा नहीं, बकवास हो जाएगा। साउंड अच्छा करने के लिए आपको सबसे पहले आपके वीडियो में क्लिक करना होगा। जैसे आप वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, तो उसके लिए मुझे एक वीडियो पहले लाना होगा, तो मैं ये वीडियो ले लेता हूँ। वीडियो नहीं आया, अच्छा फिर से लेता हूँ। बस ये कोई वीडियो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जिसे वीडियो है, तो ये जो वीडियो है ये मैंने शूट किया था खरगोश का। मैं इस पर अगर अगर इसका साउंड कम है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, जाऊँगा इस पर, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो बहुत सारा ऑप्शन देखिए आ जाएगा, तो इसमें मैं जाऊंगा साउंड पे 100% 100% कर दूंगा, सॉरी 100% यहाँ पे था, मैं इसे 200% कर दिया, यानी आपके वीडियो का वॉल्यूम 200% बढ़ चुका है। अगर आप इसे एक्सपोर्ट कर दीजिए यहाँ से, और जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा HD में चाहिए, Full HD में चाहिए, जैसे आप क्लिक कीजिएगा एक्सपोर्ट हो जाएगा, मैं इसे एक्सपोर्ट नहीं करूँगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दीजिएगा 200, तो आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, आप इसमें डन कर दिया, 200 या 200 आपने किया, डन कर दिया, आपका वीडियो का वॉल्यूम 200। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी कम है, तो आप पहले वीडियो को एक्सपोर्ट कीजिए, यानी जो वीडियो बन चुका है उसे बाहर निकालिए, और फिर बने हुए वीडियो को इम्पोर्ट कीजिए, यानी इसमें लाइए, और फिर आप वीडियो पर क्लिक करके यहाँ पे फिर जो रहेगा 200 ही बढ़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पे 100 दिखाएगा, यानी इसके मुकाबले जितना भी वॉल्यूम हाई रहे 100 ही दिखाएगा। आप इसमें 100 बढ़ा सकते हैं, यानी 100 कर दीजिएगा, यानी आपका वॉल्यूम पहले 200 था, 100 बढ़ा 300 हो गया। अगर आपका 300 में भी वीडियो वॉल्यूम कम है, फिर एक्सपोर्ट कीजिए, फिर इम्पोर्ट कीजिए, फिर 100 बढ़ा दीजिए, यानी अब आपका 400 हो गया। अब तो पूरे मोहल्ले को पता लग जाएगा यार कि वीडियो तू बना रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो ऐप है, मैं इस ऐप का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक अगर आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग दौर पे हैं, तो फ्री का यूज़ कीजिए, और आपके पास मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल के यूज़ कीजिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बहुत आता है, लेकिन हार नहीं मानना है, हार मान गए मतलब सब खत्म, धीरे धीरे सब कुछ होगा यार, एक एक साथ कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, देखने का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं YouTube से रिलेटेड और बहुत सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद।